तो डीआर बीडीआर में बेसिकली क्या मल्टी एक्सेस डिजाइन में होते हैं डीआर बीडीआर, सभी राउटर्स क्या करते हैं डीआर के साथ एडजेसेंसी बनाते हैं और बीडीआर के साथ भी बनाते हैं। बीडीआर डीआर का बैकअप होता है, इन केस ऑफ अगर डीआर आपका फेल हो जाता है तो बीडीआर इमीडिएट डीआर से एडजेसेंसी बीडीआर बनाकर रखता है। जैसे ही डीआर के होल्ड इंटरवल एक्सपायर होंगे तो बीडीआर अपने रोल को प्रमोट कर लेता है और वो डीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी सभी राउटर्स की एडजेसेंसी ऑलरेडी उससे बनी होती है तो वो इमीडिएट आपके उसके साथ मूव हो जाते हैं और आपका नेटवर्क में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती और नेटवर्क चलता रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से डीआर बीडीआर बनाया गया। वो जो इश्यू है फ्लडिंग का उस वजह से बनाया गया है। अब ये बात समझ लीजिए डीआर बीडीआर सेलेक्ट होते कैसे। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ भी हो जाता है, आप चाहते हैं तो डीआर बीडीआर मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो राउटर ऑटोमेटिकली भी उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो डीआर बीडीआर के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले आती है ओएसपीएफ की प्रायोरिटी। हर ओएसपीएफ राउटर की एक प्रायोरिटी होती है जो बाय डिफॉल्ट 1 होती है और ये डीआर बीडीआर के लिए बनाना है के लिए होती है। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हो मीन्स आप चाहते हो कि जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये R4 है, आप ये चाहते हो कि R4 जो राउटर है आपका डीआर बने, तो आप जाकर क्या करोगे इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा दोगे और ये प्रायोरिटी मैक्सिमम 255 तक हो सकती है। तो जिस राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है वो राउटर आपका डीआर बन जाता है और जिसकी प्रायोरिटी उससे कम होती है जिस लाइक R3 की आपने 90 प्रायोरिटी रख रखी है तो ये बीडीआर हो जाएगा और बाकी सब क्या कहलाएंगे डीआर अदर्स कहलाएंगे। तो बेसिकली प्रायोरिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप डीआर बीडीआर को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी ओएसपीएफ की होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो जब आप ओएसपीएफ को स्टार्ट करोगे तो सबकी प्रायोरिटी 1 आएगी और फिर ओएसपीएफ की प्रायोरिटी अगर 1 आई तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डीआर बीडीआर को देखा जाएगा तो प्रायोरिटी तो टाई हो जाएगी। और अगर प्रायोरिटी टाई हो गई तो फिर किस हिसाब से चलेगा तब आता है, अगर प्रायोरिटी टाई हो जाती है तो फिर आता है सिलेक्शन के लिए जो ये टाई ब्रेकर देखते हैं उसे कहते हैं हम राउटर आईडी। तो सभी राउटर की राउटर आईडी देखी जाती है, जैसे इसकी 1.1.1 मान लीजिए, इसकी 2.2.2 मान लीजिए और इसकी राउटर आईडी 3.3.3 मान लीजिए, इसकी 4.4.4 मान लीजिए। ठीक है, तो इनमें से जिस राउटर की भी राउटर आईडी सबसे बड़ी होगी वो राउटर ऑटोमेटिकली डीआर बन जाएगा। तो अगर इनमें देखता हूँ तो 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 4 की राउटर आईडी बड़ी है तो ये राउटर ऑटोमेटिकली डीआर हो जाएगा इन केस ऑफ प्रायोरिटी टाई, अगर प्रायोरिटी टाई कर जाती है तो। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसीजर है और राउटर आईडी तो कभी छोटी बड़ी सिमिलर हो ही नहीं सकती, राउटर आईडी में कभी भी टाई नहीं होगा क्योंकि एक राउटर आईडी के दो राउटर आपके ओएसपीएफ डोमेन में नहीं हो सकते, तो इसलिए आपका ये टाई होने का तो मतलब ही नहीं होता। तो ये एक सक्सेसफुल टाई ब्रेकर का पार्ट प्ले करता है और आपका जो डीआर है बीडीआर का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप प्रायोरिटी को जीरो कर दे तो आप जैसे चाहते हो दो राउटर हैं, जैसे ये राउटर आपका डीआर बन गया और चलिए ऐसे मान लेते हैं ये बीडीआर बन गया, आप ये चाहते हो कि ये राउटर कभी भी डीआर बीडीआर के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें तो आप इनकी जाकर प्रायोरिटी जीरो कर सकते हो। अगर आपने इनकी प्रायोरिटी जीरो कर दी तो ये कभी भी डीआर बीडीआर नहीं बनेंगे और ये ऑलवेज डीआर अदर ही रहेंगे। इनकेस ये दोनों राउटर फेल हो गए तो ये नेबर तो बने रहेंगे क्योंकि इनकी प्रायोरिटी जीरो है, ना डीआर ना बन पाएगा ना बीडीआर बन पाएगा, तो ये आपस में कभी भी राउट एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ये आप प्रैक्टिकल में ट्राई भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो सबकी अगर आप प्रायोरिटी जीरो भी कर दोगे तो आप देखोगे कि नेबर तो शो होंगे लेकिन एडजेसेंट नेबर शो नहीं होंगे और ये आपस में अपने राउट एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे। मीन्स आप इनमें लूप बनाना और उसे उस पर नेटवर्क में डाल देना तो देखना वो केवल टू वे स्टेट वहां नजर आ रही होगी केवल, जब आप शो आईपी उस पर नेबर करोगे तो दिखा दूंगा मैं लैब में आपको कैसे होता है। तो जब आप देखोगे सब टू वे स्टेट में स्टक हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि टू वे स्टेट स्टेबल हो सकती है अगर कोई एरर रहा तो, जब तक आप उसमें प्रायोरिटी किसी ना किसी राउटर की वन आपको करनी पड़ेगी और अगर जीरो रहा तो राउट कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो डीडीआर बीडीआर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बेसिकली फर्स्टली प्रायोरिटी पर आता है, सेकेंडली वो आता है राउटर आईडी पर। लेकिन ओरिजिनली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इससे ऊपर भी एक चीज है, वो क्या है, जो राउटर आपका डिजाइन में जैसे ये राउटर है और एक ये है, एक ये है, एक ये है, आपने इन्हें आपस में जोड़ रखा है मल्टी एक्सेस में बने हुए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। एक्चुअली ओरिजिनली क्या होता है, जब राउटर स्टार्ट होता है जैसे आप इस पर राउटर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है,
और ये अपने हेलो सेंड करना शुरू कर देगा। आपने नेटवर्क डाल दिया, ये अपने हेलो सेंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, हेलो सेंड शुरू करने के बाद आते हैं इनिट। इनिट स्टेट आने के बाद आपका आता है टू वे। टू वे क्या है, बेसिकली एक टाइम ओरिएंटेड एक स्टेट है। ये बेसिकली 60 सेकेंड तक रहती है। टू वे में क्या करता है, राउटर डीआरबी डीआर का सिलेक्शन करता है और उस टू वे के अंदर एक वेट टाइमर होता है, वेट टाइम को स्टार्ट कर लेता है। ये वेट टाइमर क्या है, 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड तक क्या करेगा ये राउटर, ये जो राउटर है आपका R1 जो स्टार्ट हुआ है, ये अपने हेलो के अंदर क्या है, DRBDR की प्रायोरिटी अब को पूछ रहा होता है। यानी इसके जो हेलो के अंदर जो DRBDR फील्ड है वो सब जीरो होते हैं, क्योंकि तो ये पहला राउटर है, अभी कोई DRBDR तो आया नहीं है। तो इस वेट का मतलब क्या, एक्चुअली लॉजिक क्या है कि आप तब तक वेट करो, आप 60 सेकेंड तक वेट करो। अगर 60 सेकेंड में कोई DR का हेलो आपको मिलता है, मीन्स अगर कोई राउटर ऑलरेडी इस डिजाइन के अंदर DR है, तो आपको अपना हेलो भेजेगा और उसके हेलो में उसका नाम लिखा होगा कि आई एम द DR। तो आप क्या करना, आप उस DR को एज ए DR मान लेना और उसके साथ एडजेसेंट हो जाना। और अगर कोई भी राउटर 60 सेकंड के अंदर कोई DR, ना तो कोई DR है ना कोई BDR है, ऐसा कोई हेलो नहीं मिलता जिसमें DR BDR की प्रेजेंस अनाउंस होती हो, तो आप अपने आप को DR सेलेक्ट कर लेना और अपने हेलो में जब आप 60 सेकंड के बाद भेजोगे तो आप अपने आप को DR सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और ऐसे ही होता है, जब भी आप किसी राउटर को पहला स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले DRBDR तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। चाहे इसकी प्रायोरिटी सबसे छोटी हो, चाहे इसका राउटर आईडी सबसे छोटा हो, तो ये इसका एक्टिव टाइमर जो है, ये जो वेट टाइमर है, सबसे पहले खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो ये अपने आप को DR डिक्लेयर कर देता है। और अपने हेलो के अंदर जो, जिसमें अभी तक ये कोई भी DRBDR की आईडी वगैरह नहीं भेज रहा था, उसकी प्रेजेंस अनाउंस नहीं कर रहा था, ये अपने राउटर आईडी को DR फील्ड में, हेलो के अंदर जो DR फील्ड होता है उसमें अपनी राउटर आईडी डाल देता है और कहता है कि आई एम द DR नाउ और आप सब मेरे से एडजेसेंसी बनाओ। इसके बाद अगर R2 स्टार्ट हुआ, तो R2 को पहले, जब वो अपने R2 अपने वेट टाइमर के अंदर जाता है, तो उसे एक हेलो मिलता है R1 से, जो उसे पता लग जाता है कि एक DR है, तो वो DR के साथ एडजेसेंसी बना लेता है, राउट एक्सचेंज करने लगता है। लेकिन क्या है, BDR नहीं है, तो BDR के लिए वेट करना शुरू कर देता है। और अगर उसकी प्रायोरिटी 0 से ऊपर है, 1 है, यानी कि वो DR BDR सिलेक्शन में पार्ट कर सकता है, तो BDR का भी अगर कोई हेलो नहीं आता है, यानी कि खाली DR की आईडी आ रही है, BDR की नहीं आ रही, तो BDR की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को BDR बना लेता है। ये राउटर का बेसिक बिहेव बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से चलता है। भले ही आपके जो प्रायोरिटी वाले राउटर हैं, आपने इसकी प्रायोरिटी R4 की 100 कर रखी है, इसकी 90 कर रखी है, अभी तक आपने इन पे OSP स्टार्ट ही नहीं किया था, तो OSP स्टार्ट नहीं किया तो राउटर के मिस्टेक नहीं है, आपका है। और बेसिकली होता क्या है, जैसे ही राउटर टू वे स्टेट में एंटर करता है, तो उसका वेट शुरू हो जाता है। वेट का मतलब क्या है कि वो पहले 60 सेकंड तक वेट करेगा कि कोई DR ऑलरेडी चल तो नहीं रहा है। अगर उसे 60 सेकंड के अंदर DR से कोई हेलो रिसीव हो जाता है या BDR से हेलो रिसीव हो जाता है, तो वो DR अदर अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है, भले ही उसकी प्रायोरिटी कितनी हो, भले ही उसके राउटर आईडी कुछ भी हो। और अगर DR BDR नहीं मिलते उसको 60 सेकंड में, उसे हेलो तो मिल रहे हैं लेकिन ऐसे हेलो मिल रहे हैं जो अपने आप को DR नहीं बता रहे हैं, तो वो फिर अपने आप को DR में प्रमोट करेगा, तब वो DR बन जाएगा, तब वो DR बनेगा। तो इसे कहते हैं नॉन प्रियम्प्टिव बिहेवियर OSPF का। मींस जैसे आप ये मान लीजिए, ये राउटर आपका DR है, ये राउटर आपका BDR है और ये राउटर दोनों अदर्स हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अभी क्या, आप DR सेलेक्ट हुआ हुआ है और DR इन केस चला गया, ये डाउन हो गया, तो BDR ऑटोमेटिकली DR में प्रमोट हो जाएगा, BDR DR में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा और फिर BDR के लिए सिलेक्शन चलेगा इन दोनों राउटर में। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, दोनों के राउटर की प्रायोरिटी कम से कम 1 होनी जरूरी है। अगर आपने 0 कर रखी है तो BDR का सिलेक्शन चलेगा ही नहीं। तो ये दोनों राउटर देखते हैं कि BDR तो लॉस, BDR का तो फेलियर हो गया है, ओ सॉरी, DR तो प्रमोट हो गया और BDR अब नहीं है, तो हम दोनों को BDR सेलेक्ट करना होगा। फिर इन दोनों में सिलेक्शन चलता है कि कौन सा राउटर की प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं इसकी 100 है, इसकी 90 है, तो ये वाला राउटर आपका BDR बन जाएगा, लेकिन DR नहीं बनेगा। DR क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा बैकअप प्रमोट होता है DR के अंदर। ऐसा नहीं कि DR फेल होने के बाद DR को ढूंढेगा, DR को ढूंढने का फायदा नहीं है, इसलिए तो हमने बैकअप बनाया था, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन में जाओगे तो राउट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। जब तक DR नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करोगे, और BDR को इमीडिएट पता लग जाता है कि DR बंद हो गया है, तो अपने यार रोल प्रमोट करके DR में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी जो एडजेसेंसी है वो ब्रेक नहीं होती, क्योंकि बैकअप से तो आपने पहले ही बना रखा है, तो आपकी बस एडजेसेंसी मूव हो जाती है और आप उस एडजेसेंसी को यूज करने लगते हो, और एक्टिव एडजेसेंसी कह लीजिए, तो DR वाली एडजेसेंसी आपकी एक्टिव एडजेसेंसी कहलाती है।
तो कहने वाली बात क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई नेटवर्क पहले से ही चल रहा है, ये सिचुएशन कैसे हो सकती है, जैसे आपके चार राउटर जैसे मैंने अभी बताया आपको, इन्होंने डीआर सेलेक्ट कर रखा है, बीडीआर सेलेक्ट कर रखा है, कोई नया राउटर लॉन्च होता है जिसकी प्रायोरिटी 255 है, राउटर आईडी बहुत बड़ी है, तो उसे आप जैसे राउटर ओएसपीएफ में डालोगे, ऐसा नहीं है कि वो डीआर बन जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और आपका जो ऑलरेडी डीआर है उसकी 100 थी, नया राउटर लगाया उसकी प्रायोरिटी 255 करके आप लाए और आपने प्लग इन किया, राउटर ओएसपीएफ लगा दिया, तो ये डीआर बन जाएगा। अगर ये डीआर बनता तो प्रॉब्लम क्या होगी, सारी की सारी एडजेसेंसी जो चल रही थी उसे मूव होकर नए राउटर पर जाना पड़ेगा और आपका ओएसपीएफ डेटाबेस कन्वर्जेंस में आ जाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, सारा जितना भी जब तक कन्वर्जेंस चलाओगे यूजर ट्रैफिक जाना बंद हो जाएगा, ओएसपीएफ को सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए डीआर का जो बिहेव है नॉन प्रियम्प्टिव रखा, मतलब एक बार डीआर सेलेक्ट हो गया तो हो गया, फिर वो तब चेंज होगा जब वो बंद होगा, और चेंज भी क्या होगा, अगर बीडीआर होगा तो डीआर के रोल में प्रमोट हो जाएगा, जो सिलेक्शन चलेगा बीडीआर का चलेगा। तो मोटो मोटो शब्दों में कहें तो यहाँ देखिए, डीआर का तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, डीआर तो प्रमोट हो रहा है और बीडीआर का ही सिलेक्शन चल पाता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से डीआर बीडीआर चलता है, और केवल एक एडजेसेंसी बनाते हैं हम लोग डीआर से, यानी आपके हब राउटर से सभी स्पोक जो हैं और इसी को डेटा डालते हैं, और जो आपका डीआर राउटर है वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और सारे फ्लडिंग को कंट्रोल करता है। तो वो जो प्रॉब्लम थी आपके पास, अननेसेसरी का डेटा जो फ्लड हो रहा है मल्टी एक्सेस नेटवर्क की वजह से, उससे आप बच जाते हो और नेटवर्क बहुत स्केलेबल मोड में चलता रहता है। तो ये है डीआर बीडीआर सिलेक्शन, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन सब चीजों को, इस वीडियो को कई बार देखे आपको समझ में आएगा, और कोई दिक्कत आती है इस डाउट से तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।